ये है मलाई से घी निकालते समय जो बचे हुए खुरचन हैं, इसी का हम बनाने जा रहे हैं ऐसी मिठाई। ये मार्केट जैसी ही बर्फी है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप जो खुरचन बचेगा उसको फेंकिएगा नहीं, ऐसे ही मिठाई तैयार कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय किचन। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई से जो बचे हुए खुरचन हैं उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा खुरचन है और मैंने आधा कप दूध लिया है और ये मैंने लिया है 5 रुपीज़ का जो आता है दूध का पैकेट पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मैं नारियल चूरा ऐड करूँगी, 2 चम्मच, छोटे 2 चम्मच। मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे, मैं नारियल का चूरा डाल रही हूँ इसमें, 2 चम्मच हो गया। ये दूध पाउडर डालना है, ये थोड़ा सा इलायची पाउडर। देखिए हम लोग इसमें शक्कर डाले हैं 3 छोटे चम्मच, थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसमें आधा कप दूध ऐड कर देंगे। देखिए उबल रहा है, गाढ़ी हो गई है, और जब तक शक्कर पिघल जाएगा ये और थोड़ा और गाढ़ा होगा, उसके बाद हम बंद कर देंगे। देखिए हमारे बर्फी बनाने का मिश्रण तैयार हो गया है। जब ये कढ़ाई से अलग हो जाए, तेल छोड़ने लगे, तब जाके समझ लीजिए कि ये हमारा बर्फी मलाई के खुरचन की बनती, जिसमें घी अलग हो गया और मलाई के कुछ पार्ट्स अलग हो गए हैं, उसका हम लोग बर्फी बना रहे हैं। उसको फेंकिए नहीं, ऐसे ही ट्राई कीजिए। देखिए ये कढ़ाई, ये कढ़ाई में देखिए ये मिश्रण, देखिए देखिए कैसे चका छोड़ रहा है, मतलब इसमें घी देखिए कैसे मेल्ट हो गया है। अब इसको हम लोग 2 मिनट के बाद बर्फी में सेट कर देंगे। देखिए हमने निकाल दिए प्लेट में, देखिए हमने प्लेट में सेट कर दिया है, सेट किया है चौकोनी शेप में। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग नारियल का चूरा डाल देंगे, आप अपने हिसाब से जैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। देखिए हम लोग ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं इसको। देखिए 1 घंटा हो चुका है, कितना अच्छा सेट हो गया है। देखिए हमारा बर्फी तैयार हो गया है, आप भी अपने घर में ऐसा ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू।